पंचकुला दे सेक्टर 16 दे राजीव कलोनी मकान नंबर 970 दी रहन वाली महिला रचना दा बच्चा जो कि 2 महीने दा सी जिसकी कल रात नू मौत हो गई। बच्चे नू कल दफना दिता गया पर हुन परिवार वालियां दा कहना है कि बच्चे दा पोस्टमार्टम करवाया जावे ता जो पता लग सके कि बच्चे दी मौत किवें हुई। देखो पंचकुला तो बिनू शर्मा दी रिपोर्ट। हां जी आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। क्या हुआ था बताएंगे? हुआ ये था कि वहां पर कैंप लगा राजीव कलोनी शेर वाली माता के मंदिर में, जो बच्चों के टीके लगते हैं सर गवर्नमेंट वाले, तो ये भी सब लोग गए टीका लगवाने के लिए। इसके बच्चे के भी टीका लगा शिवा के, ये टीका लगवा के अपने घर चले गई। रात को बच्चों को बुखार आया बहुत ज़ोर से, तो बच्चों का ये दूध पिलाने लगे जो लेटा दिया। रात को जब 4 बजे ज़्यादा बुखार आ गया तो 6 में लेके गए। जब तक वहाँ 6 में लेके गए, डॉक्टर ने उसको मरा वो घोषित कर दिया। तो ये सर डॉक्टर को बोली कि भाई मेरा बच्चा टीका लगने की वजह से उसकी डेथ हुई है। तो डॉक्टर साहब कहे नहीं, तेरा बच्चा दूध पीने से हुआ। क्या आज तक इतने बच्चे दुनिया बसी है दूध पी के नहीं पड़े? वो कहे जहर पी के बड़े हुए हैं, दूध ही पी के माँ के बड़े हुए हैं, वो दूध पीने से बच्चे की डेथ होगी। तो यह चाहती है कि मेरे बच्चों को निकलवा के वहाँ से और उसका मेडिकल करवाया जाए पोस्टमार्टम, ताकि मुझे यकीन पता लगे कि मेरा बच्चा किस वजह से मरा। मेरे इसकी माँ कहती बच्चे की कि मेरे को ये विश्वास है कि मेरा बच्चा टीका लगे की वजह से ही डेथ हुई। तो पुलिस वाले तो कहाँ से आए हुए थे टीका लगाने के लिए? ये 6 वाले 16 में से 16 वाले थे लोग, 6 वाले 16 वाले थे। डेढ़ महीने के बच्चे की मौत हुई है और परिजनों का आरोप है कि गलत टीका लगने के कारण मौत हुई है, क्या है ये मामला? कल NMM वर्कर जो थी वो सेक्टर 16 में बच्चे का इंजेक्शन लगाया था 11 बजे, वो रात को कह रहे 3 बजे करीब उसकी तबीयत ख़राब हो गई। वो हॉस्पिटल में उसको लेके गए हैं, जहां हॉस्पिटल में वालों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद वो उन्होंने किसी के कहे के अनुसार लाश का दफना दिया है। अब वो कह रहे हैं भाई सच्चाई का पोस्टमार्टम करवाया जाए और हमारे बच्चे की मौत का कारण पता लगाया जाए। तो क्या आरोप क्या लगा रहे हैं परिवार वाले? भाई गलत इंजेक्शन लगाया है, जबकि डॉक्टरों ने बताया इसके साथ साथ कल 28 बच्चों को और इंजेक्शन लगाए थे, फिर भी अब कानून के प्रक्रिया के तहत लेटर अफसरान बालों को लिख के डेड बॉडी को निकलवा के कार्रवाई की जाएगी।